हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन शेयर टिप्स डॉट कॉम। और इसरो की सफलता चंद्रयान 3 को ध्यान में रखते हुए हमने बैकग्राउंड भी उसी तरह का चुना है, क्योंकि हमें गर्व है इंडिया के अचीवमेंट पे। और आज का टॉपिक आपको ले चलेंगे और सिखाएंगे कि एक स्टॉक में चार्ट को कैसे रीड करना है, और उसके लिए हमने स्टॉक चुना है HDFC लाइफ। तो चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। उससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। एंड मूविंग ऑन टू द मेन टॉपिक नाउ। हमारा एम है कि जो भी आपको स्टॉक चार्ट दिखाएं तो उसमें आपको हम बता सकें कि आपने हर स्टॉक चार्ट को क्रिटिकली जब देखना है तो उसमें क्या देखेंगे और क्या समझेंगे। तो जब भी आपने कोई भी स्टॉक चार्ट को लेना है तो उसको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में देखना है। तो आज हम आपको HDFC लाइफ का स्टॉक चार्ट डेली और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर दिखाएंगे, और आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर क्या पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं और डेली के अंदर क्या दिखाई दे रहे हैं। तो इससे क्या है, आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस आ जाता है, जिससे आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ईजियर हो जाता है। आपका एम है स्टॉक को आइडेंटिफाई करें, पैटर्न को आइडेंटिफाई करें, तो आप बनाएं अपना ट्रेडिंग प्लान और उसके बाद उसको रूथलेसली एग्जीक्यूट करें। तो देखिए, HDFC लाइफ इंश्योरेंस का ये चार्ट है, वीकली चार्ट पैटर्न पे है। वन डब्ल्यू मीन्स इट इज ए वीकली, एक कैंडल उसका पर वीक को दिखा रहा है, और ये है HDFC लाइफ। तो आपके लिए ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने ऑलरेडी मार्किंग कर दिया है, जिसमें आप देखेंगे कि ये वाला एरिया इसका सपोर्ट है। ये एरिया सपोर्ट क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे स्टॉक ने बार बार इस एरिया से आकर के ऊपर की तरफ छलांग दोबारा लगाई है। 1, 2, 3, तो देखिए आप देख सकते हैं कि कम से कम 3 बार ये उस एरिया के नजदीक जाकर के वहां से रिवर्स हुआ, तो इसलिए बन गया ये सपोर्ट। और अगर आप रेजिस्टेंस देखें तो आप देखेंगे 1, 2 और ये 3 पे इसने ब्रेकआउट वहां से एग्जीक्यूट कर दिया। हमें उम्मीद है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्लैरिटी हो गया होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन नहीं होते, इस चीज को याद रखना, ये एक बैंड होता है। तो अगर यहां पे एक सिंगल लाइन है तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक बैंड के बीच में ये मूव करेगा तो ये इसका बन जाएगा रेजिस्टेंस। सिमिलरली सपोर्ट के लिए इट इज ए सपोर्ट इज ए बैंड बाय इट्सेल्फ, तो ये चीज क्लैरिटी होना चाहिए, इट इज नॉट ए सिंगल लाइन बट अ बैंड। तो जब आप स्टॉक चार्ट को रीड कर रहे हैं, अगर वो 1, 2, 3 रुपए ऊपर चला भी जाए तो ये नहीं सोचना कि ब्रेकआउट हो गया है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने मार्क कर लिए चार्ट के ऊपर, उसके बाद आपने देखना है कि स्टॉक में ब्रेकआउट कहां हो रहा है। तो जैसा कि यहां पे आप देखेंगे ब्रेकआउट फेल हो गया, तो जब फेलियर हो गया तो उसके अंदर स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो उसमें घबराना नहीं है कि मेरा तो स्टॉप लॉस लग गया, मैंने तो सारा रूल फॉलो किया था। पर याद रखें, जब भी आपने शॉर्ट करना है तो 2/3 कैंडल नीचे जाना चाहिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तब आप शॉर्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अंदर शॉर्ट का एग्जीक्यूशन हो गया था और ये स्टॉप लॉस जिस आदमी ने ट्रेडिंग प्लान से किया होगा उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। पर घबराना नहीं है, स्टॉप लॉस इज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, और जो आदमी स्टॉप लॉस को रूथलेसली एग्जीक्यूट करना सीख गया तो वो बन जाएगा सबसे ऊंचे दर्जे का ट्रेडर। अब इस आदमी ने यहां पे स्टॉप लॉस ले लिया और फिर यहां से उसने सपोर्ट से, उसको पता है कि अब बाउंस करके स्टॉक ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस के पास से फिर नीचे आ सकता है। उसको कैसे पता चला, प्रीवियस बिहेवियर ऑफ द स्टॉक। स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, तो ऑलरेडी 2 बार ये चीज हो रखी है, तो तीसरी बार भी इस चीज का लाइकलीहुड है।
के हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो आदमी ने सोचा कि ये तो सपोर्ट को तोड़ करके स्टॉक नीचे चला गया है और नीचे की तरफ छलांग लगाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं, स्टॉक ने ऊपर की दोबारा छलांग लगाई और अब जा रहा है रेजिस्टेंस के पास। यहां पे ब्रेकआउट कैंडल आपने एंटर नहीं करना कि जैसे ही इमीडिएटली पहली बार उसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, उस दिन का क्लोजिंग को आपने ऑब्जर्व करना है। और अगर वो क्लोजिंग 2/3 हो कैंडल की, यहां पे वीकली का चार्ट चल रहा है तो अगर आप वीकली में रीड कर रहे हैं तो वीकली की कैंडल को 2/3 ऊपर होना पड़ेगा ब्रेकआउट के लिए रेजिस्टेंस के ऊपर। और अगर वो चीज 2/3 कैंडल ऊपर है, डेट इज 66% ऑफ द कैंडल, इसको हम ग्रीन कलर में कर देते हैं क्योंकि हमारा ब्रेकआउट कैंडल जनरली ग्रीन के साथ ही आप दर्शाएंगे कि ग्रीन इज जनरली कंसिडर्ड एज बुलिश करेक्टर एंड रेड इज कंसिडर्ड एज बेरिश करेक्टर इन द मार्केट। तो आपकी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्रीन कलर किया है। पर एंट्री कहां पे लेना है? क्लोजिंग, जब उस कैंडल का क्लोजिंग हो गया तो आपने उसके ऊपर क्रॉस करते ही आप एंट्री ले सकते हैं, जिसे आप बोलेंगे कि आज मैंने ब्रेकआउट को ट्रेड किया है। तो ये चीज याद रखिए। और उसका स्टॉप लॉस कहां पे होगा? अगर यही कैंडल यहां नीचे ब्रेक करती है तो ये आपका यहां पे इसका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये चीज याद रखना कि जो भी एंट्री लेना, एंट्री लेने से पहले आपको स्टॉप लॉस का पता होना चाहिए कि मैंने एग्जिट कहां करना है अगर मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फेल हो गया। तो अगर ब्रेकआउट में आपने एंट्री ले लिया तो आप एंट्री पे जब आपने देखते रहना है, बियरिश रिवर्सल का साइन आएगा तो आपने उसमें एग्जिट कर जाना है। हमने कल ही एक मोमेंटम इंडिकेटर्स के ऊपर भी क्लास लिया था जिसके अंदर दिखाया था कि कैसे आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं या कैसे आप एग्जिट को प्लान आउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम और भी इंडिकेटर्स को अगले प्रेजेंटेशंस में लेंगे जिससे आप समझ जाएंगे कि कैसे आपने एग्जिट करना है। एग्जिट के लिए आप इसके साथ डाइवर्जेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइवर्जेंस में क्या होता है कि कोई और इंडिकेटर होता है, अगर स्टॉक ऊपर को जा रहा है और दूसरा इंडिकेटर अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया और अब रिवर्सल हो सकता है। इनको हम सब्सिक्वेंट मोमेंटम इंडिकेटर्स के अंदर कवर करेंगे, विच विल क्लैरिफाई ऑल दी मोर ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक स्टॉक को देखना है। तो हमने वीकली को देखा, अब हम देखते हैं डेली चार्ट। तो अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो उसमें डिफरेंट पिक्चर नजर आएगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर दिए और यहां पे कैंडल ने ब्रेकआउट ले लिया। एंट्री आपका यहां पे एरो जहां पे दिया है वहां से आप एंट्री बाय कर सकते हैं उस लेवल के ऊपर और आप पूरे का पूरा राइड कर सकते हैं। अब इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि ये वाला स्टॉक अब नीचे गिरने वाला है, क्योंकि ये बन गया है राइजिंग वेज पैटर्न। राइजिंग वेज पैटर्न अगर आपने एक भोंपू देखा हो तो बेसिकली भोंपू की शक्ल वाला जो पैटर्न बन रहा है उसका मतलब है कि वो टेक्निकली एक बेयरिश पैटर्न है, यानी एक स्टेज पे आके वहां से स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो राइजिंग वेज पैटर्न भोंपू जो है राइजिंग वाला ऊपर की तरफ, वो एक बेरिश सिग्नल है। तो आप इस टेक्निकल पैटर्न की मदद से आपको पता चल गया कि स्टॉक अब नीचे जाने वाला है और जैसे ही लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो आपने
उस कैंडल के ब्रेक होते ही अगर उसका 2/3 क्लोजिंग उसके नीचे वाले हिस्से से नीचे आ गया है तो आपने वहां से एग्जिट ले लेना है। इस तरह से स्टॉप लॉस प्लान करने से ये इंश्योर हो जाता है कि आप हमेशा प्रॉफिट के साथ ट्रेड में निकलेंगे। ये नहीं होगा कि ओहो मेरा तो काफी सारा प्रॉफिट हो रहा था और मैं और प्रॉफिट के लालच में आज लॉस पे बैठ गया। अब देखिए, अब जो है वो फॉलिंग वेज पैटर्न बन गया। हमने देख लिया राइजिंग वेज पैटर्न जो बेरिश इन नेचर होता है, फॉलिंग वेज पैटर्न बुलिश इन नेचर होता है। अगर ये 627 4-5 रुपए ऊपर अगर सस्टेन करता है, यानी कि लेट्स से 632 के ऊपर ये मेंटेन करने लग जाता है स्टॉक, तो फिर स्टॉक यहां से ऊपर की तरफ जा सकता है फॉर टारगेट अप टू 675-730 रुपीज। तो ये इसके लाइकली टारगेट्स होते सकते हैं। पर अगर उसने सपोर्ट को तोड़ दिया, सपोर्ट जो हमारा इस समय 617 रुपी पे है, अनदर 4-5 रुपी हेयर एंड देयर, से लेट्स से इफ ब्रेक 610 रुपी कंक्लूसिवली ऑन क्लोजिंग बेसिस, या यही लेवल इसका 2/3 नीचे इस लाइन के क्लोज हो जाता है, तो यू कैन इनिशिएट अ शॉर्ट पोजीशन समवेयर हेयर फॉर द टारगेट ऑफ दिस प्लेस। तो स्टॉक इसके बाद अगर सस्टेन करता है नीचे तो हो सकता है 497 तक भी गिर सकता है। तो जब भी आपने ट्रेड करना है आपने अपने आंख खुला रखना है, चार्ट को स्पीक करने देना है, अपना थॉट प्रोसेस उसके ऊपर इंपोज नहीं करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार राकेश झुंझुनवाला जी से हमारा बात हो रहा था तो हमने उनसे वही पूछा कि आपको कैसे पता चलता है कि ये स्टॉक ऊपर चलने वाला है, क्या आप कोई इंडिकेटर वगैरह का इस्तेमाल करते? तो बोले मैं कोई इंडिकेटर नहीं इस्तेमाल करता, मैं सिर्फ जैसे ही दरवाजे से घुसता हूं और अगर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मुझे चार्ट दिख रहा है तो वो मुझे खुद ही बताता है कि मैं ऊपर जाने वाला हूं। तो किसी ने बोला कि फाइनल प्रोफेशनल्स वो होते हैं जो एक सिंगल चार्ट को देखते हैं और कोई भी ट्रेडिंग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर आपने उस लेवल तक जाना है तो यू हैव टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अब हम दोनों चार्ट्स को साइमल्टेनियसली कंपेयर करेंगे वीकली और डेली टू अराइव के दोनों चार्ट्स के अंदर आपको क्या डिफरेंस दिखता है। उससे पहले हमने एक्सप्लेन किया कि राइजिंग वेज पैटर्न क्या है, तो ये बेसिकली भोंपू की शक्ल है। अगर आप देखें एक भोंपू बेसिकली मेगाफोन है और जैसे ही इस लेवल को तोड़ेगा तो वो बेरिश ट्रेंड आ जाता है, और वही अगर भोंपू का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो जैसे ही वो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को भोंपू की तोड़ेगा वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो आप इस चार्ट को भी देख करके राइजिंग वेज पैटर्न को समझ सकते हैं, ये यहां पे एक्सप्लेन किया है। और ये वाला एक्सप्लेन किया हमने फॉलिंग वेज पैटर्न, जिसमें के आपका एंट्री कहां पे आएगा, समवेयर इसके ऊपर, जब ये 2/3 कैंडल ऊपर आ गया तो आप एंट्री ले सकते हैं और आप देखें कम से कम उतना लेवल ले सकते हैं जहां से स्टॉक ने नीचे की तरफ छलांग लगाई थी, तो कम से कम उतना ऊपर जाने का उम्मीद रख सकते हैं और वहां पे टारगेट्स रख सकते हैं और प्रॉफिट को ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर इसमें आप शिफ्ट करते जाएं तो यू कुड हैव रिडन द होल प्रॉफिट। तो अभी हम देखते हैं दोनों चार्ट्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, तो आप खुद ही देख सकते हैं दिस इज ए वीकली चार्ट, दिस इज ए डेली चार्ट, और आपके सामने हमने दोनों चार्ट्स को कंपेयर के लिए रख दिया। आई विल गेट आउट ऑफ द स्क्रीन फॉर 5 सेकंड, हैव अ लुक एंड ग्रास्प इट। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लैरिटी आ गया होगा कि जब आपने कोई स्टॉक देखना है तो कैसे उसको देखना है, रीड करना है और कैसे उससे ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट करना है रूथलेसली। और अगर इंट्राडे में आपका इंटरेस्ट है तो विदाउट एनी डाउट वी कैन से दैट हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शन सबसे अच्छा है एंड आर क्लाइंट स्वियर बाय इट। लिसन टू आर क्लाइंट टेस्टिमोनियल। हेलो गाइस, आई एम विकास
from Coimbatore, Tamil Nadu. I'm using Indian share tips, bank Nifty option tips, and getting regular profits. Thank you. हमें उम्मीद है कि आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगा. किसी से भी जुड़े पर वो होना सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी सर्विसेज होना चाहिए. वी आर सेबी रजिस्टर्ड और आप हमारा सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर वेबसाइट के टॉप पे देख सकते हैं. वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और दूसरे ग्रुप्स में भी भेजिए. एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू. डेस्कटॉप वर्जन वेबसाइट का यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पे आप जाके बैंक निफ्टी ऑप्शन को देख सकते हैं. जिनका इंटरेस्ट डिलीवरी में है वो इसको क्लिक कर सकते हैं. कमोडिटी इज हेयर और आप रिजल्ट्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं इन लिंक्स को क्लिक करके. मोबाइल स्क्रीन के अंदर टॉप राइट पे मेन्यू बटन है जिसके अंदर आपको ये सारे लिंक्स मिल जाएंगे. इक्विटी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा. एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन. अगर आपने ट्रेडिंग नहीं किया तो आप स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ ट्रेडिंग. वी विल हैंड होल्ड यू क्योंकि आपकी सक्सेस में हमारी सक्सेस है. प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर. थैंक यू.